जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको कार्तिक मास की। और कार्तिक मास में बहुत सारे भक्त भारतवर्ष से वृंदावन पधारते हैं और अपने अपने नज़दीक सरिताओं में, नदियों में स्नान करने का व्रत लेते हैं, नित्य स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। किस तरह नदी स्नान कार्तिक में करने से हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, तो आपको कार्तिक मास जो है ये सीधा सीधा तुलसी माता की इसमें विशेषता है, शालिग्राम जी की विशेषता है भगवान कृष्ण के रूप में। तो आप जब भी नदी स्नान करने के लिए जावे तो नदी स्नान में एक नियम का पालन जरूर आपको करना है, और वो नियम यह है कि जब भी आप नदी स्नान जाते हैं तो सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले स्नान करने का विधान रखें, और दूसरा विधान ये रखें कि आप जब जाएं तो प्रणाम करें, उसको अनुमति लेवें, उनका जय घोष करें। और जब आप अंदर नहाने के लिए जावे तो पात्र आदि से ऐसे न नहा करके कम से कम इतने पानी के अंदर हमें चले जाना है नाभि तक। तो नाभि स्थान में जब पानी का वेग होता है तो उस समय नाभि स्थान में आकर के आज्ञा लेकर के और कार्तिक स्नान करते हैं, डुबक लगाते हैं और पूर्व अभिमुख होकर के पूर्वाग देख करके स्नान करें। और स्नान करने के बाद में जब आप बाहर आवे तो अपने पितरों का तर्पण कर लें, नाम स्मरण कर लें, उनके नाम का जल छोड़ दें, और जहाँ नहाते हैं आप सूर्य उदय होने के उस पर दीप का प्रज्वलन कर लें, और अपने पितरों का, अपने गुरुदेव का, आपके इष्ट का स्मरण कर लें, और वहाँ जय घोष करते हुए माता तुलसी का, शालिग्राम जी का जय घोष करें और उनकी ही नित्य सेवा का, पूजन का व्रत लें पूरे कार्तिक मास में। तो जब आप स्नान के लिए जाएंगे तो अगर आप नाभि तक स्नान करते हैं तो वो सही विधि मानी गई है स्नान की पूर्व से ही। तो जितने भी आप विधि विधान में आप कहीं जाते हैं तर्पण करने नदियों में, काशी यहाँ, तो वहाँ उतना विधान माना गया उस तरह का कि उतने अंदर जा कर के वो प्रवाह करना चाहिए, तो उतने ही अंदर जाकर नाभि स्थान में बहुत ज़्यादा साइंस के हिसाब से भी यहाँ खून की मात्रा अधिक पाई जाती है, रक्त अधिक होता है। तो यहाँ पर पानी जब लगता है तो पूरी बॉडी को पावर आता है और पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। कभी कभी आपने देखा है अचानक सिर पर पानी पड़ जाने से बीपी लो हो जाता है, खून जाम हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, और छोटे बच्चे तो सांस भी नहीं लेती अगर उनके सिर से पानी डाल दिया तो, इतने घबराहट होती है। तो इसलिए नाभि पर छोटे बच्चों के पानी डालने का विधान पहले से ही है, नाभि से शुरू करना स्नान। तो जब भी कार्तिक मास में आप स्नान को जावे तो नाभि स्थान तक अंदर प्रवेश करें और आज्ञा लेकर नमस्कार करके, और ध्यान रखें कि आप जब नाभि स्थान की उसमें अंदर प्रवेश होंगे तो आप अपने पैर को देख करके जाएं, जहाँ पर गड्ढा ना हो, आपको खतरा ना हो, उस हिसाब से स्नान करके आप कार्तिक का स्नान नित्य करें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।